नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आवाज टली हर्षित टीवी। मैं श्रुति गुप्ता आज आपको मिलवाने वाली हूँ भोजपुरी की बहुत ही मशहूर गायिका मनीता सिंह से। तो आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार, और जितने भी हमारे हर्षित टीवी उर्फ HE टीवी आवाज को देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मैं भोजपुरी लोक गायिका मनीता सिंह, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो आप हमें सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत, सबसे पहले तो हर कोई जैसे लोग पढ़ाई करते हैं ऐसे मैं भी पढ़ाई करती थी, और साथ ही सिंगिंग का मुझे शौक रहा है बचपन से, और इसमें मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव रहे हैं, बचपन से मुझे सपोर्ट किए हैं। और बस मैं पढ़ाई के लिए हजारीबाग आई जब इंटर के लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सिंगिंग का शिक्षा लेना चाहिए, तो मैंने संगीत का शिक्षा लेना शुरू किया, क्लास ज्वाइन किया मैंने, और अभी भी मैं ले रही हूँ, और आजीवन संगीत सीखना है क्योंकि संगीत का कोई अंत नहीं होता है। और बस मैं सिंगिंग का क्लास करना शुरू कर दी, और उसी दौरान जब मैं रियाज करती थी तो उसी दौरान प्रकाश पंडित जी, जो हमारे झारखंड से हजारीबाग से बहुत ही अच्छे गायक हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे हर तरह से ट्रेंड किया, गायकी को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, एल्बम को लेकर, सब तरह से मुझे मोटिवेट किया और ट्रेंड करना शुरू किया, प्रैक्टिस करवाना। बस धीरे धीरे मैं कार्यक्रम करते गई, एल्बम करते गई, और धीरे धीरे मैं मतलब यहाँ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। तो सिंगर बनने का सपना आपका बचपन से था या फिर बाद में कुछ है? वैसे मुझे बचपन से शौक था, और फिर भी मैं सोचती थी कभी कभी कि मैं बहुत एक ऐसा मुकाम तक जाऊं जहां पे लोग मुझे रिस्पेक्ट के साथ साथ मेरा नाम और रिस्पेक्ट दोनों मुझे मिले। पैसा कमाना नहीं कमाना वो एक अलग की बात हो गई, लेकिन मेरा ज़्यादा मेन फोकस ये रहता है कि मैं लोगों के दिलों में जगह बनाऊँ और इज्जत कमाऊँ, रिस्पेक्ट कमाऊँ। आपका एक गाना हमरा तो गुजरात बबुआ DM हुई है CM हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं वो गाना। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो बहुत प्यार मिला इस गाने को रील्स के माध्यम से, लगभग 1-2 मिलियन प्लस इस गाने पर रील बना है, आप लोग अभी भी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो मिलियन, दो बार ये चैनल पर चढ़ा, लेकिन दोनों बार मिलियन क्रॉस किया गाना, बहुत प्यार मिला इस गाने को, लाइन ऐसे है। और माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा कार्यक्रम की वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ है, बट वैसे ही मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी अपने दर्शकों को। हमरा बुझाता बबुआ GM होई है, क्यों हसे उपरा अरे DM होई है, हो कि नाना हिंद के सितारा, बबुआ CM होई है कि वो से ऊपरा PM हुई है, हो कि नाना हिंद के सितारा, बबुआ CM हुई है कि वो से ऊपरा PM हुई है, हो। आप अब तक कितने गाने गा चुके हैं वो चीज हमारे दर्शकों को आप बताएं। लगभग मेरे हिसाब से मैं 2-3 हज़ार के लगभग गाने अभी तक मैं गा चुकी हूँ एल्बम में, 2-3 हज़ार प्लस। और सावन के पावन महीने पे आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, वो चीज़ हमें आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाए। अभी तो जो मेरा करंट में जो गाना आया है, डक म्यूजिक एक मेरा चैनल है, तो उस पर मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, आप लोग सुन सकते हैं डक म्यूजिक को, और जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और उसमें एक मेरा बोलबम का सॉन्ग आया था हाल फिलहाल में इसी सावन में, कि लागे मड़ैया में गर्मी अरे बेसी ही एसी लगा दिए भोला, कि लागे मड़ैया में गर्मी बेसी ही एसी लगा दिए भोला, बहुत अच्छा गाना है, आप लोग सुनिएगा डक म्यूजिक पे। तो आपका कोई फेवरेट सिंगर होगा, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा, अब तक कितनों को सुनते आई है? वैसे गाने तो मैं बहुत सारे सिंगरों का सुनते आई हूँ, लेकिन जो बहुत लीजेंड रहे हैं जैसे हमारी कल्पना दी हैं भोजपुरी, क्योंकि मैं ज़्यादा सुनती हूँ भोजपुरी, मैं ज़्यादा गाती हूँ, मैं ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन मैं झारखंड से हूँ तो
खोटा नागपुरी भी गा लेती हूँ थोड़ा बहुत और भोजपुरी मैं ज्यादा गाती हूँ। उनमें से जो जो चंद नाम हैं जिनको मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो हमारे मेल में नाम लिया जाए तो हमारे पवन सिंह जी हैं, और हमारी फीमेल में नाम लिया जाए तो हमारी कल्पना दी हैं, इंदु सोनाली जी हैं, प्रियंका सिंह जी हैं, वो भी बहुत सारे लोग हैं नाम, नीलकमल सिंह जी हैं जिनको मैं अभी ज़्यादा सुन रही हूँ, मुझे उनका गाना बहुत पसंद है, मैं उनका गाना खूब सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इसी सबको देख के फॉलो करती हूँ, सब अच्छे गाते हैं। आप अभी हमारे साथ सुन रहे थे मनीता शिव को, ऐसे में आपको अगले कार्यक्रम में बहुत ही मशहूर और अच्छे से सक्षम मिल पाऊंगी। मैं श्रुति गुप्ता।